जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं आज आप लोगों के स्टेथोस्कोप को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हो गया आपको ईयर पीस, और ये हो गया ईयर ट्यूब, और ये हो गया आपको बाइनरल स्प्रिंग, और ये हो गया स्टेम, और ये हो गया चेस्ट पीस। चेस्ट पीस को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ये हो गया आपको आगे वाला डायफ्राम और पीछे वाला हो गया बेल। जैसे कि आप जानते हैं स्टेथोस्कोप का यूज हम लोग हार्ट साउंड एंड ब्रीथिंग साउंड को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम सुन के देखते हैं कैसा हार्ट साउंड और ब्रीथिंग साउंड का वॉइस आता है।